A very, very warm good evening, my lovely children. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedanta Biotonic, I welcome you all to today's very important session on the living world. This is part two of the session where we are going to be doing the NCRT marking of the chapter, the living world. A very warm good evening. How are you doing, everyone? Good evening, bacho. Good evening, everyone. Chaliye, shuru karte hai is chapter ko, kyunki kal is chapter ka क्विज होने वाला है अलोंग विद प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स. सो क्विज के लिए यू ऑल हैव टू बी रेडी बाय फिनिशिंग दिस सिंपल टॉपिक एंड मेकिंग श्योर दैट यू आर नोइंग ऑल द क्वेश्चंस. व्हाट्स इट? यस, चलिए. सो लेट्स गेट गोइंग मेरे बच्चों. लेट्स मूव अहेड. लेट्स गेट गोइंग एंड लेट्स फिनिश दिस चैप्टर. अ वेरी वार्म गुड इवनिंग सीएजल, रजनी, हर्षिता, जावेद, जितेंद्र. चलिए टॉपिक शुरू करते. And guys, don't worry, nothing at all is going to happen to Let's Crush It. So Let's Crush It crash course to chalta hi rahega. Yes, Let's Crush It to NEET ke exams ko crush hokar hi band hoga. But this is something which I will also do for my class 11. This is something which I'm doing at the 9 p.m. For both NEET and board students, I'm starting it at 9 p.m. जो मैं आपको NCERT, I'm going to be doing Mentee Marathon because board exams में अभी थोड़ा time है, तो board exams की जो sprint है वो हम board exams से पहले करेंगे. But अगर हम late हो गए, you see if we get late, और अगर हमने ये नहीं किया अभी, तो ये बाद में नहीं हो पाएगा. So हम थोड़े से MCQ type की practice करेंगे और ज़्यादा chapter and topic wise. Yes, for क्लास 12th ये मैं आपके लिए भी करूंगी. बोर्ड एग्जाम से पहले हम स्प्रिंट करेंगे, बट थोड़ा और ज्यादा, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स के बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि हम बैठकर नीट के एमसीक्यू की तैयारी करें. वो हमें अभी करनी पड़ेगी. आफ्टर बोर्ड लास्ट चांस चला जाएगा, यस और नो. तो वो तैयारी, नीट को जीतने की तैयारी हमें अभी करनी पड़ेगी. आफ्टर बोर्ड्स वो टाइम चला जाएगा. मैंने पूरा 12th आपको दो बार रिवाइज करवा दिया है और अब फतेह करने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. जो बच्चे मेरे से रेडी, यू नो दे लाइक यस, तो वो अभी स्क्रीन पे क्लाइक करके कुछ तो वी हैव टू वॉक दैट एक्स्ट्रा माइल. व्हाट्स इट? है ना भूमिका सत्यम? तो लेट्स क्रश इट तो चलता चला जाएगा. बट उसके अलावा व्हाट एल्स? दिस इज इट. यस गाइस, ये हमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी. यू वांट टू गेट इन टच विद मी, द ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट इज mani_vedant. देखो बेटा, ये समझने की बात है कि यार मैं जनवरी 15 से भी अगर शुरू करूंगी तो मार्च 15 तक मैं बोर्ड एग्जाम 2 महीने में कर लूंगी. व्हाट अबाउट दिस टाइम जो वापस नहीं आएगा? यही समझने वाली बात है. क्योंकि अगर मेरे को अप्रैल का टाइम मिलता है और एग्जाम मई में होते हैं, या देखते हैं, अभी तो अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है, तो मुझे अभी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए. दिस इज द टाइम जो टॉपर्स है ना, वो अभी एक्स्ट्रा टाइम नीट की प्रिपरेशन को दे रहे हैं. सो आई एम स्टार्टिंग मेंटी मैराथन सीरीज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जो बहुत फोकस्ड हैं. राइट बच्चों, जो बहुत ज्यादा फोकस्ड बच्चे हैं उनके लिए वी आर डूइंग दिस. आज शाम को मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव आने वाली हूं. अराउंड 9:30 PM आई एम गोइंग टू बी लाइव ऑन इंस्टाग्राम एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द मेंटी मैराथन ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम स्टार्टिंग इट टुमारो. यू नीड टू रन, यू नीड टू जॉग, एंड यू नीड टू बिकम द टॉपर दैट यू विश टू बी. यू आर ऑन इंस्टाग्राम vani_vedantu, शुड ज्वाइन. अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है छोड़ दीजिए, बट अगर इंस्टाग्राम पे है तो आप अपनी सारी बाकी चीजें डीएक्टिवेट करिए, यहां पर आइए, सो दैट यू एंड मी कैन फोकस एंड स्टडी टुगेदर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बायोटॉनिक फॉर मी टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए फॉर योर डेली डोज ऑफ मोटिवेशन, फॉर गेटिंग इन टच विद मी, फॉर आस्किंग योर डाउट्स टू मी, फॉर मेकिंग श्योर दैट वी स्टडी टुगेदर. यू नीड टू हैव बायोटॉनिक फॉर नीट टेलीग्राम अकाउंट. एंड गाइज, दिस इज योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स बायोलॉजी, बीट बोर्ड, बीट नीट, बीट एनसीईआरटी, बीट मेंटी, बीट क्रश इट क्रैश कोर्स, बीट रैंक बूस्टर सीरीज. वी ऑलवेज डू द बेस्ट पॉसिबल फॉर यू. सो मेक श्योर दैट यू लाइक, मेक श्योर दैट यू शेयर, मेक श्योर दैट ईच वन ऑफ यू सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल. दैट्स रियली नाइस शुभम.
चलिए इस चैप्टर की वेटेज मैं आपको कल बता चुकी हूँ, इससे दो क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर की वेटेज है 4%। सो आज जो बचा हुआ पार्ट है हर्बेरियम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा होगा। यस, ऑर्डर, क्लास, फैमिली से क्वेश्चंस आते हैं। सो आर यू रेडी टू फिनिश दिस चैप्टर ऑफ विद मी? यस, सहीना, निकिता, भूमिका, जयश्री, खुशी, दीक्षा, ऑल माय रेगुलर लवली बायोटोनियंस, ताकि कल हम इस टॉपिक का टेस्ट दे सके। Tomorrow we have to give a test on these two topics जिनको हमने आज पढ़ा है। Don't you feel nervous about NEET? When we are there together in this, you don't have to feel nervous at all about NEET. We care for you. The नया मंत्र, जो नया मंत्र आपको कल हमारी slides में दिखने वाला है, बहुत अलग तरह से we've got the new mantra. The new mantra is we care for you. This is you, this is me, and we together will form the we. Right? What is the V made up of? The V is made up of two arms. So this is the arm which stands for the teacher. This is the arm which stands for the children. And together we become a strong V. Ye aapko kal hamari slides mein dikhega. And we care for you. We really care for you. Aap, agar hum hai to aapko tension lene ki zarurat नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, एंड दैट्स द वी, इट्स मेड फ्रॉम चिल्ड्रन एंड टीचर टुगेदर, इट इज नॉट वन स्टिक, इट्स अ वी, यस, एंड वी आर देयर फॉर यू, यू डोंट वरी, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। आपके बोर्ड एग्जाम्स की एक बार डेट अनाउंस हो जाए, हम आपको ऐसे मैराथन स्प्रिंट कराएंगे कि आप बोर्ड एग्जाम्स में छा जाओगे। लेट दोस डेट्स कम आउट नाउ, वी विल अनाउंस इट, राइट? अब हम बैठकर अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। सो क्लासिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको कल बोला था, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, राइट एवरीबॉडी? तो क्योंकि कैटेगरी ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट्स को दिखाती है, जो अलग अलग कैटेगरीज है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, देयर इज अ ऑर्डर व्हिच इज बीइंग फॉलोड, एक हायरार्की, एक ऑर्डर को फॉलो किया जाता है ना यशस्वी? करेक्ट एवरीबॉडी? और एक रैंक को, हर एक रैंक को, क्लासिफिकेशन में बहुत सारी रैंक्स होती है, रैंक्स को क्या कहा जाता है, इट इज रेफर्ड टू एज द टैक्सोन, राइट एवरीबॉडी? इट इज कॉल्ड द टैक्सोन। सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट्स अगर एक है, सारे इंसेक्ट्स में, प्लीज रिमेंबर दिस, ये क्वेश्चन तो कम से कम 4 या 5 times नीट में आ चुका है। नो वरीज देवियांशु बेटा, जॉइंटेड लेग्स होती है, इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स जिनमें जॉइंटेड लेग्स है। नाउ कैन यू नेम एनी अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स? कोई करेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं आप ऐसे मुझे, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक? देखो जिसमें भी आप बोलोगे सेलुलोसिक सेल वॉल, उसको अलग कर दोगे, जिसमें आप नैग-नैम की सेल वॉल करोगे उनको अलग कर दोगे, अगर विदाउट सेल वॉल है उनको अलग कर दोगे, विद मेमोरी ग्लैंड्स उनको अलग कर दोगे, करेक्ट एवरीबॉडी? जिनके अंदर जॉइंटेड अपेंड कंपाउंड आईज को अलग कर दोगे, राइट एवरीबॉडी? यस। सो आप ये सारी चीजें आप येलो पेजेस पे नोट डाउन करते रहिए। हर एक कैटेगरी डिनोट करती है एक रैंक को, रैंक को ही हम टैक्सोन कहते हैं। द रैंक ओनली इज रेफर्ड टू एज द टैक्सोन, इज इट क्लियर? एंड दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, कैटेगरीज आर बायोलॉजिकल एंटिटीज। ये सिर्फ एग्रीगेट नहीं किए, ये बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं, ये लिविंग फीचर्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स हैं। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज अ किंगडम, अ फाइलम, अ डिविजन, क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। द लोएस्ट लेवल व्हिच कैन फ्रीली इंटरब्रीड विद ईच अदर इज कॉल्ड अ स्पीशीज। सो कैन वी लुक एट ईच ऑफ दीज कैटेगरीज इन डेप्थ? कैन वी लुक एट ईच वन ऑफ दीज कैटेगरीज इन डेप्थ? इन पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, राइट? सो रैंक इज ऑल्सो कॉल्ड अ टैक्सोन, वी हैव सो मेनी ऑफ देम। वी स्टार्ट फ्रॉम द किंगडम, फाइलम और डिविजन। डिविजन इज फॉर प्लांट्स, वी हैव क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। लेट अस लुक एट ईच वन ऑफ देम इन डेप्थ। टुमारो आई एम रिपीटिंग, टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर टेस्ट। Your test will come on this chapter and plant growth and hormone. Let me also tell you, my dear children, that this is the time to really practice a lot of MCQs before the announcement of your exams. So that is the reason why I'm specially starting a mentee marathon. So that, and this will, I'm starting it at 9 p.m. I'm not touching your Let's Crush It crash course, so that you really can benefit. I will do it for entire 11th. I will do it for entire 12th. Right? Let's move ahead.
So let us go to each one of these categories. We start from the smallest or the lowest version. The smallest or the lowest version is called a species. What is the smallest, lowest version called? It's called the species. Taxonomic categories. Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as sabse basic, fundamental. Ye word jo hai, ye exam mein bahut exploit kiya gaya hai. Sabse basic, sabse bottom wala, fundamental. Right everybody, fundamental. Aapko pata hai, itna slides banane ke chakkar mein na 3-4 din se kaam bahut bada hua hai. तो सुबह से लेकर शाम तक स्लाइड बनाना, कुछ टाइप करना, आज तो मुझे लग रहा है जैसे मुझे सर्वाइकल हो गया भाई. यस, ऐसे मतलब बुरे दिन आ गए. यो, मेरी अभी इतनी पेन है ना गर्दन में. सुबह से कुछ काम चल रहा है तो एक मीटिंग दूसरी मीटिंग, ये वो करते करते, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए, कल रात को बना है ये अपना मेंटी मैराथन वाला, रात के 11 बजे सुबह उसको स्लाइड्स में डालना करना. उफ, तो अभी तो ऐसा हो रहा है कि भाई मतलब मेरी गर्दन का ना बैंड बाजा सब बन चुका है बुरे तरीके वाला. राइट, बट डोंट वरी, आपको जब क्लास में पढ़ाते हैं ना यार, व्हेन यू आई सिट विद यू, तो एकदम मतलब फील अच्छा हो जाता है कि इट्स लाइक इट्स वर्थ इट. यस, तो सबसे बेसिक क्या है बेटा, आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए मेरे साथ प्लीज. मेरी एनसीईआरटी के तो मतलब चिथड़े उड़े हुए हैं. आप प्लीज अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए और साथ के साथ मार्क करके इसमें येलो पेजेस से चिपकाते रहिए. सो वन स्पीशीज से अदर, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है, एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज से डिफरेंशिएट करना है, आई कैन वेरी इजिली डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. तो अगर मैं मैंगो देखू, मैग्निफेरा इंडिका, अगर मैं सोलानम ट्यूबरोसम देखू, पोटैटो, पैंथेरा लियो देखू, लायन, ऑल थ्री नेम्स जो बाद वाले नाम है, इंडिका, tuberosum and the leo, these are names of the species. panthera genus hai, to panthera mein panthera tigris bhi aa sakta hai, panthera leo bhi aa sakta hai. agar main human beings ki baat karu to wo hai homo sapiens, homo genus hai, sapiens species hai, to isiliye homo habilis bhi keh sakte hai, homo sapiens bhi keh sakte hai. right muskan beta, panthera jo hai, jo pehle words hai, magnifera, solanum, panthera, is it clear? ye teenon jo shuru ke words hai, ye genus hai. ek genus mein one or more than one specific epithet ho sakta hai, jaisa ki maine aapko bola, panthera tigris, panthera leo, panthera ka ek aur ho sakta hai, yahan par agar aapko leo bol raha hai to yahan pe tiger wala tigris ho sakta hai. solanum nigrum, solanum tuberosum, solanum melongena, solanum maybe datura ko bhi hum solanum bolte hai. so genus ke andar bahut sari species fall down karti hain. the smallest जिसको आप फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते, द स्मॉलेस्ट विच इज अ फंडामेंटल इज रेफर्ड टू एज अ स्पीशीज. स्पीशीज हैव द एबिलिटी टू फ्रीली इंटरब्रीड, दैट इज वाई जब जो स्पीशीज क्रॉस करती है यू कॉल इट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. जब आप दो स्पीशीज के बीच में क्रॉस करते हैं, विच इज नॉट नेचुरल, विच कैन नॉट हैपन इन नेचर, यू कैन ओनली डू इट इन द लैबोरेटरी, आप उसको कहते हैं इंटर स्पेसिफिक. ब्रीड्स आर पार्ट ऑफ द स्पीशीज. स्पीशीज अगर आपका एक डॉग होगा तो ब्रीड्स, भले वो एल्सेशियन हो, वो कॉकर स्पैनियल हो, वो शिज़ू हो, वो एप्सो हो, वो लासा एप्सो हो, that is breeds. so interspecific is between a donkey and a horse, you're crossing between two different species and you will get a sterile offspring because alag alag species ke chromosome number alag hote hain. right, so aapko do words clear ho jane chahiye, species aur within the species bahut sari breeds hoti hain. जैसे ह्यूमंस में रेसेस होती है, कोई कॉकेशियन है, कोई मंगोलॉइड है, कोई एशियन है, विद इन अ ह्यूमन बीइंग यू हैव रेसेस, यू हैव रेस ऑफ ह्यूमन, इसीलिए रेशियल कह दिया गया है. व्हेन आप ह्यूमंस को सेपरेट अलग करते हो तो आप बोलते हो रेशियल, अलग अलग रेसेस, दैट इज द सेम स्पीशीज. विद इन अ डॉग यू हैव ब्रीड्स, विद इन द कैट यू हैव ब्रीड्स, विद इन हॉर्सेज यू हैव ब्रीड्स. That is one species. When you cross a horse and a donkey, that's referred to as interspecific hybridization. Understood, everybody? Let's now move to genus. So what is a genus, everybody? They are related species. These are related, the species which are close together. They are not the same species, but they are related species. Right? Now, genus are aggregates of closely related species. For example, Panthera will have Leo and Tiger, which is closely related. Leo is lion, leopard is pardus, tiger is tigris. They are closely related to each other. So what is a genus? A genus is a group of related species.
Aggregate means a group of closely related species. Classical example is, for example, potato, tomato, brinjal. Tino kya hai? Solanum, melongena, tuberosum, panthera leo, lion, tigris, tiger, leopard, pardus. Agar aap family, agar aap closely related genus ko ek saath kar diya, to aapke paas aa jayegi family. Is it clear, everybody? But aap jaise jaise upar ja rahe ho, the biggest and the most important thing which you need to understand is, aap jaise jaise upar ja rahe hain, the similarities will keep on decreasing. Aap dhyan dijiye, still less number of similarities, maximum number of similarities are present in species. And kyunki maximum similarity species mein hai, that is the reason why species have the ability to breed with each other. Species ki definition ye hoti hai, they are freely breeding with each other, and therefore if you do not belong to the same species, it is very very difficult for organism to breed. Did you understand this? Families are characterized on the basis of vegetative and reproductive features. Agar main plants bolu, vegetative features kya honge, aapki leaf kaisi hai, stem kaisi hai, reproductive features kaise honge, flower kaisa hai, fruit kaisa hai, वेजिटेटिव रूट कैसी है, शूट कैसी है, स्टेम कैसी है, लीफ कैसा है, रिप्रोडक्टिव फीचर्स, हाउ आर द फ्लावर्स, हाउ इज द सीड हैबिट, राइट, हाउ इज द प्लेसेंटेशन, हाउ इज द फ्रूट. सो अमंग प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल, थ्री डिफरेंट जीनस, सोलाना, पिचूनिया एंड दतुरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलानेसी. इनके लीफ का शेप एक जैसा होता है, ये तीनों श्रब्स होते हैं, लीफ पे थॉर्न्स होते हैं जो ग्रेजिंग से बचाते हैं. अमंग द एनिमल्स, जीनस पैंथेरा में लायन, टाइगर, लेपर्ड इज पुट टूगेदर विद द जीनस कैट्स. These are small cats, जो आपकी घर की बिल्लियां होती हैं, जो आपकी पर्शियन कैट्स हैं, इन तीनों को बिग कैट कहते हैं. राइट एवरीबडी? यस दीक्षा, यू अंडरस्टैंडिंग? इनको बिग कैट कहते हैं. ये है फैमिली फेलिडे. फेलिडे, शिफा, नका, गियन, देवयांशु. अगर आप सोलानेसी की बात करें तो इनका एस्टिवेशन, इनकी फ्लावरिंग हैबिट, सब में बेल शेप्ड फ्लावर होंगे. आप सोलानम को देख लीजिए, पिचूनिया को देख लीजिए, दतुरा को देख लीजिए. लीफ की शेप, लीफ की विनेशन, फ्लावर की शेप, लीफ में थॉर्न्स सेम होंगे. दीक्षा बेटा, आप क्या कहना चाह रहे हो हाथ बना के बच्चे? मैम क्लास 12 बोर्ड सीबीएसई 2021. बेटा क्लास 12 बोर्ड सीबीएसई 2021 की क्लासेस रोज 9 बजे होती हैं. उनमें मैं आपको भी क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ मेंटी रोज शाम को 9 बजे. राइट बेटा? और जैसे ही आपकी डेट की अनाउंसमेंट होगी, हम आपको स्क्रिप्ट करा देंगे. अभी तो हमें पता ही नहीं है कि नीट से पहले होगा, नीट के बाद होगा. आप बिल्कुल टेंशन मत लो. आपको आपके एग्जाम से जैसे, देखो, दो या तीन महीना पहले तो डेट अनाउंस करेंगे ना. एक महीना पहले तो ऐसे नहीं बोलेंगे 15 दिन में एग्जाम है, तो हम आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे दिसंबर और थोड़ा सा टाइम ऑफ जनवरी. वी रियली वॉन्ट टू स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट फॉर नीट ऑल्सो. राइट डा? क्योंकि हम दो बार थियोरी कर चुके हैं. इज दैट क्लियर? मैं किसी से गुस्सा नहीं होती बेटा जी. सो मैं किसी से गुस्सा नहीं हूं. आप मेरे से गुस्सा है? बिल्कुल नहीं हो सुमेधा. आप तो मुझे कल रसगुल्ला खिलाने वाले थे, मैं आपसे क्यों गुस्सा होंगी? राइट, चलिए लेट्स मूव अहेड. ठीक है, हैप्पी? मुझे, मैं किसी से गुस्सा नहीं होती ऐसे बेमतलब, है ना? चले आगे. ओके, एंड मेरी मेमोरी को कुछ नहीं हुआ है. मेरी बहुत अच्छी मेमोरी है, मुझे सब याद है. मैम यू रिमेम्बर मी? मैं शायद आपके नाम नहीं ले पाती क्योंकि मैं पढ़ा रही होती हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता. एक मूवी है ना जो हम देते थे उसके लिए, जब हम डमशराज खेलते थे, एंथनी को गुस्सा क्यों आता है या ऐसा कुछ. मुझे कोई गुस्सा नहीं आता. यस, आई डोंट गेट एंग्री, सो डोंट वरी, लेट्स फोकस ऑन आवर स्टडीज. राइट, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं किसी को भूलती नहीं हूँ और मुझे गुस्सा नहीं आता है. Yes, everyone. I don't, and I am totally focused and dedicated towards your studies. We will make sure that you study well. मुझे हिमाचली बोलने को मत बोलो अमार, मुझे सीखना पड़ेगा ना थोड़ा सा, फिर मैं बोल दूंगी. ठीक है, चलो आइए. सो इनकी फैमिली क्या है? आपने लायन, टाइगर, लेपर्ड को कैट्स की फैमिली में डाल दिया, फेलिडे. आप इनके डैगर शेप्ड कैनाइंस देखिए, राइट, इनकी जंपिंग हैबिट देखिए, इनकी हंटिंग हैबिट देखिए. सो दिस इज वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर. सिमिलरली, इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ अ कैट एंड डॉग, यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एंड सम
differences as well. इसलिए इनकी family को हमने separate कर दिया है. Dogs को हमने डाल दिया है canine day और cats को हमने डाल दिया है feline day. Dogs को canines कहते हैं, आपने सुना है. Cats को feline कहते हैं. So feline, canine. Correct everybody? चलिए, so let us now move ahead. आपको तीन चीजें अभी तक समझ आ चुकी होंगी बच्चों. All of you know species. इसके जो extra questions होते हैं, I've done with you. Yes, ma'am. All of you know genus and all of you know family. Let us now move to order. Right? बच्चों, introns के लिए 10 seconds of silence. Let the intron rest in peace. आप आ जाइए. Right? आ जाइए. आ जाइए, आ जाइए. डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी अबाउट द इंट्रॉन्स. छड्डो परे, मैं तो कहती हूँ लेट देम बी, इट्स ओके. इंट्रॉन्स हैव नथिंग एल्स टू डू इन लाइफ. आई फील सो बैड फॉर देम, टेरिबली टेरिबली बैड फॉर देम. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. आप ये सोचो किसी के पास काम नहीं है, वो दूसरे के यूट्यूब में लेक्चर में आके बोल रहे हैं. हाउ टेरिबल इज दैट? नो, yes, you agree with me. How terrible. जो लोग बेचारे जॉबलेस होते हैं, आई फील टेरिबल फॉर देम. लेट देम बी, लेट देम बी. लेट्स फोकस. Let our energies be focused on studies. Let our energies be focused on our studies. Let them be wherever they are. And I feel terribly sorry for them. Let's just terribly feel sorry for them. Let them, let the introns rest in peace. And we go on in creating history, in making our careers, in making sure each one of you goes to a medical college. Yes, let's move ahead. Order. आपने स्पीशीज देख लिया, जीनस देख लिया, फैमिलीज देख लिया, एंड आपको पता चल गया कि कैसे कैसे धीरे धीरे सिमिलैरिटीज कम हो रही है, बट स्टिल सिमिलैरिटीज आर देयर. जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स. इनको क्योंकि धीरे धीरे सिमिलैरिटीज कम हो रही है, वी नीड टू फाइंड आउट एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स. राइट? हमें ना एक दिन एक संडे स्पेशल क्लास लेनी पड़ेगी. वेयर विल बी लाइक, आपने आज सुबह की क्लास देखी थी जब वो मिनिस्टर साहब बोल रहे थे? बिकॉज मैंने आई हैड पुट द ऑडियो ऑफ द स्क्रीन सो दैट यू कुड हियर. तो आपको पता है मैं बीच में इशारे कर रही थी, आई एम राइटिंग, यू रिमेंबर दैट? तो मुझे लगता है एक स्पेशल क्लास लेनी पड़ेगी मुझे. दैट क्लास विल बी वन डे साइलेंस फॉर इंट्रॉन्स बेचारे. Yes, so you don't worry. You remember, because the audio was this, remember, beech mein band karke I was speaking up. So I think we will have to keep a special class of one day silence for introns. Let them be, let them be, let them live their life. Right? Chaliye. So let's focus on our class, please, everyone. And order, being a higher category, hum upar upar ja rahe hain. Sabse pehle species, genus, family, order, class. राइट? तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जीनस. प्लांट फैमिलीज लाइक कॉनवोल्वेसी, सोलानेसी, किस में आ गए आपकी पॉलीमोनियल्स, बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लावर के कैरेक्टर्स. एस्टी, यू नो फ्लावर, कितने पेटल्स हैं, कितने सेपल्स हैं, किस तरह की इनफ्लोरेसेंस है, किस तरह का फ्लावर है. सो इट इज बेसिकली इन द फ्लोरल कैरेक्टर्स. जितने भी एनिमल्स हैं, कार्निवोरा, राइट, इंक्लूड फैमिली लाइक फेलिडे एंड, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? आई विल डू इट देवी अंशु. तो यहां पर हमें और कम 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 कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें मिलते चले जाएंगे. जब मुझे और कम 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 कैरेक्टर्स मिलते चले जाएंगे तो मैं उसको क्या बोलूंगी? सोलानेल्स को मैंने किस में डाल दिया? सोलानेल्स को मैंने पॉलीमोनियल्स में डाल दिया. आई विल पुट देम इन पॉलीमोनियल्स. अब आ जाओ क्लास में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा, जिसके पास आपका मंकी, गोरिल्ला और गिबन है, उसको मैंने मैमिलिया में डाल दिया. कोई मुझे बता सकता है इसकी कॉमन कैरेक्टर सिर्फ एक होगी? व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टर? सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन कैरेक्टर. व्हाट इज दैट कॉमन कैरेक्टर? स्क्रीन ब्लर नहीं है बेटा, पर अपनी बुक्स खोल लीजिए प्लीज. इट इज मेमोरी ग्लैंड्स. तो मैमिलिया अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा, व्हिच इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग. क्लास मैमिलिया हैज अदर ऑर्डर्स आल्सो, बट क्लास क्या कर दी मैंने? मैमिलिया. सो मैमिलिया में आप देखो कितनी वैरायटी होगी. एनीबडी हु हैज अ मेमोरी ग्लैंड, हु हैज बॉडी हियर, आई एम गोना पुट देम इन द क्लास मैमिलिया, जिसमें बहुत अलग अलग ऑर्डर्स होंगे. फाइनली हम आएंगे फाइलम पे. क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस. और बेटा इसमें एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आता है, सो प्लीज वो हाई फाई एग्जाम्पल्स याद मत कीजिए. आज भी बार बार
अगर आप MHRD मिनिस्टर का सुनेंगे, उन्होंने बोला CBSE के अलावा उन्होंने कुछ नाम नहीं लिया, उन्होंने इनफैक्ट CBSE के डायरेक्टर का नाम भी लिया। जब पूछा कितना सिलेबस कम हुआ है, उन्होंने बताया कि यार CBSE का डायरेक्टर बताएगा। अच्छा एक चीज और उन्होंने एक बार बहुत बार बार एक चीज बोली, उन्होंने बोला कि 30% सिलेबस कम हो रहा है। मुझे पता है कि आप में से ना कुछ बच्चों को अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है, कौन सा सिलेबस कितना परसेंट डिलीट हुआ है। सो आई एम डूइंग अ स्पेशल लेक्चर टुडे एट 9 PM जहां मैं बताने वाली हूँ कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक कट हो चुके हैं। 10 मिनट्स में वी विल डू दैट, क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम्स की वजह से जो वरिड है ना कितने कितने परसेंट है, सो वी विल डू दैट। Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals constitute the next higher category called phylum. All these are based on the common features like notochord or the dorsal hollow nerve cord. ये तो कितना मतलब it is actually putting you at such a higher level of see. यार जिसके पास भी notochord है उनको मैं क्या बोल दूँगी, chordata. और chordata कितना fishes, amphibians, reptiles, birds. So much of difference will be there. In case of plants, हम phylum word use नहीं करते. Plants के लिए we use a very special word जिसको हम बोलते हैं division. What do we call this word? We call this word as division. ये तो आपके MCQ का favorite question है कि plants में क्या करते हैं? भाई herbarium वगैरह जब आएगा, that is again very important. Kingdoms पे आ जाइए. All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom. Kingdom के बाद phylum और division. Class, order, family, genus, and the lowest one is species. The kingdom Plantae, on the other hand, comprises plants from various divisions. So, plant kingdom, animal kingdom. हर एक चीज को आप या तो plant या animal. इसको सबसे पहले बोलते हैं जो भी move कर रहा है उसको plant से हटा के animal में कर दो, जो भी steady एक जगह पे उसको animal उसको plants में कर दो. But that's not how easy it is. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order. क्योंकि आपकी fundamental part कौन है, स्पीशीज, राइट एवरीबडी? सो यू गो फ्रॉम द लोअर टू द हाईएस्ट, दिस इज द फंडामेंटल पार्ट. व्हाट डज द फंडामेंटल डू? दिस इज द पार्ट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मेटिंग, दिस इज द पार्ट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इंटरब्रीडिंग, राइट, और फॉर ब्रीडिंग फॉर दैट मैटर. अगर आप दो स्पीशीज को कंबाइन करेंगे तो वो इंटरब्रीडिंग होगा. अब आपने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े, व्हाट डिफाइन मोनोग्राफ? यस एवरीबडी, डियर किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप. कल 5 बजे क्या होगा? कल 5 बजे टेस्ट है बच्चों, राइट एवरीबडी? तो आपने ऐसे पढ़े, व्हाट इज मोनोग्राफ, व्हाट इज हर्बेरियम, व्हाट इज अ म्यूजियम, व्हाट डू यू कीप इन अ म्यूजियम, हर्बेरियम में क्या दिखाई देता है, क्या आपने ये सब देखा है? और अगर आपने देखा है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको करें. और बच्चों एक चीज और बता दो, बोर्ड एग्जाम्स के लिए अभी भी काफी बच्चों को कंफ्यूजन है. अभी वी आर गोइंग अहेड, जस्ट गिव मी 1 मिनट. अभी भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आई एम कमिंग विद दिस वेरी अमेजिंग लेक्चर. आप अभी रिमाइंडर डाल दो, राइट, फाइनल सिलेबस फॉर बोर्ड्स क्या है? लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से 30% रिडक्शन है. तो वो 30% क्या है? क्लास 11th के कौन से टॉपिक्स कटे हैं, क्लास 12th के कौन से टॉपिक्स कटे हैं, मैं आपको एक बार सारा कुछ बता दूंगी दोबारा, सो दैट यू हैव नो कंफ्यूजन फॉर प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड्स. एटलीस्ट नीट के लिए अभी क्लैरिटी शायद इतनी नहीं है हमारे पास, बट बोर्ड्स के लिए तो हमारे पास पूरी क्लैरिटी आ चुकी है, राइट. चलिए, सो लेट अस मूव अहेड. सो मोनोग्राफ क्या होता है बेटा? मोनो का मतलब ही वन होता है. मोनोग्राफ इज अ राइटिंग वर्क ऑफ अ स्पेशलिस्ट ऑन अ सिंगल स्कॉलरली सब्जेक्ट, किसी एक चीज पे जो काम किया है. केसिया फिस्टुला पे काम किया सिर्फ मोनोग्राफ, किसी एक स्पीशीज को, किसी भी एक चीज को जब डिटेल में बताया गया है उस साइंटिस्ट ने जिसने उस चीज के ऊपर डिटेल्ड स्टडी की है, इट इज रिटन एज मोनोग्राफ. व्हाट इज इट कॉल्ड एज? इट्स कॉल्ड एज मोनोग्राफ. ब्रिंजल एंड पोटैटो बिलोंग टू द सेम जीनस, different species. What separates the two species? I have been telling you from the beginning, two different species cannot interbreed. They have different morphological features. Is it clear, everyone? Is it clear, everyone? So it is, they cannot interbreed. They cannot freely interbreed. You need to do crossbreeding. You need to do crossbreeding is between two different breeds, right? So here you will have to do interspecific hybridization. Inke morphological characters ye alag alag dikhai dete hain. Guys, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए. हाउ मेनी ऑफ यू आर इन क्लास 11th? और अगर आप क्लास 11th में हैं, तो आपके पास अगर ऐसा स्केड्यूल नहीं है,
यू डू नॉट हैव अ स्केड्यूल लाइक दिस जहां आपको पता है कि रोज मैंने इतने बजे से इतने बजे ये पढ़ना है, इसका टेस्ट देना है, इसके मुझे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, राइट आफ्टर क्लास मुझे मैम के नोट्स मिलने वाले हैं, मुझे मैम का पीडीएफ मिलने वाला है, ऐसा आपके पास पूरा सिलेबस होना चाहिए। देखिए फुल ऑन सिलेबस लाइक दिस यू शुड बी हैविंग ईच वन ऑफ यू। अगर आपको ऐसे पढ़ना है विद ऑल ऑफ अस, please go and get the pro membership for yourself. So you need to click here to get subscription. और यहाँ पर आपको code भरना होता है. The coupon code which you need to enter is called as VD Pro, which is my name. जैसे ही आप VD Pro code भरेंगे, you will automatically be redirected to a place where you can make your payment at 20% off, and you can join my classes. So many of you have already become a part of my super amazing lectures. But the beauty is that यहाँ पर आपको physics और chemistry भी मिलेगी, आपको in class doubt solving मिलेगी, you can study at your home from any device, right? You can cover all the topics that I've been telling you to do at a price which is phenomenally low. Phenomenally low. You get 20% off पे मिलेंगे. So please go to vdnt.in/ytpro और code लगाइएगा vdpro to get a 20% off. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ये chart पे तो कम से कम 50 बार question आ चुके हैं. Very important chart. और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे and we will do details of the remaining topics. Right, आ जाइए. So अब आपको ये पता है, यहाँ पे मैं चार पांच चीजें डिस्कस कर रही हूँ जो आपको मैं उनका बायोलॉजिकल नेम, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं होमो सेपियंस। होमो क्या है आपका, जीनस, सेपियंस क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट, फैमिली होमिनिडे, प्राइमेट्स हैं, मैमल्स हैं और नोटोकॉर्ड है तो कॉर्डेटा है, हाउस फ्लाई, मस्का, डिप्टेरन्स। This is very important from MCQ point of view, right? Muscidae, insecta, jointed appendages, हमने book में भी पढ़ा है, and they are arthropoda. Correct? तो specific epithet पता चल गया, कोई doubt नहीं होगा, कभी भी specific epithet आएगा, आप कर लेंगे. Mango has two cotyledons, dicotyledons, it's a flowering plant, angiosperm. Order is sapindales, and family is Anacardiaceae. Would you write this down, please? Right? Last but not the least, Triticum aestivale, hexaploid. Triticum aestivale. Poaceae. What is Poaceae? Monocots, grasses. All Poaceae members are nothing but very simple, let me tell you. सारे Poaceae member जितने भी हैं, इस बात को कभी मत भूलिएगा, चार या पांच बार ही एग्जाम में आ चुका है, Poaceae वर्ड आया, Poales आया, मोनोकॉट लिखेंगे आप। Poaceae फैमिली एनिमोफिली, एयर पॉलिनेशन करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जितने भी आपके फूड क्रॉप्स हैं ज्यादातर Poaceae फैमिली के होते हैं, Poaceae फैमिली आपको याद रखनी है, मोनोकॉट्स है, Poaceae फैमिली आपको याद रखनी है, Triticum aestivale, Zimes, Poaceae बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कभी मत भूलिएगा, मोनोकॉट्स एंड एंजियोस्पर्म्स, राइट। अब आते हैं टैक्सोनॉमिकल एज पे। टैक्सोनॉमिकल एज दिखने में तो लगता है बहुत सिंपल, पर जब क्वेश्चन आते हैं ना तो बेटा बैंड बाजा बन जाता है। It's tough. Yes, Poonam, muck and clear. So taxonomical age pe kaise wo trick karke ek do cheezon ko ghuma kar questions poochte hai. Let's quickly do it because tomorrow you have a test on this very topic. Hai na Devyanshu, batch of 2022. Sare raiders bolo. Yes, ma'am. Done, raiders. Hanji, ma'am, ji, mere raiders, bacho, chunnu to munnu. Bilkul sahi bol rahe. Yes, chalo phir aage badhte hain. Taxonomical age. Right? कल क्या आने वाला है? कल तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कल मैंने एक स्पेशल चीज आप लोगों के लिए डिजाइन करी है, दैट इज टीचर एंड स्टूडेंट। सो वी रियली केयर फॉर यू, वांटेड टू शो दिस टू यू, वांटेड यू टू यू नो अबाउट दिस सुपर थिंग दैट वी आर डूइंग फॉर यू, दैट वी रियली केयर फॉर यू। आप टेंशन मत लो यार, हमें आप टेंशन लोगे उसका फायदा क्या होगा? यस, यहां मैं भी फिर मैं टेंशन लेना छोड़ देती हूँ एकदम, मैं तो जा रही हूँ फिर हवाई छुट्टियां बनाने, क्या कहते हो? यस, मेरे को तो जापान घूमने का बहुत मन कर रहा है। अगर आप लोग मतलब अगर आप लोगों ने टेंशन लेनी है तो फिर मैं छुट्टी पे चली जाती हूँ, क्या कहते हो? छोड़ो फिर, क्या मैंने भी टेंशन, आपने भी टेंशन, सारी दुनिया टेंशन लेके थोड़ा ना घूमेगी, है ना? बताओ, मैं तुम्हें को तो आई रियली वांट टू गो टू जापान वन ऑफ दिस डेज। तो फिर तो आप टेंशन लो, टेंशन लेके खुद पढ़ो पढ़ो, और फिर केवीपीवाई के लिए भी कुछ कर रहे हैं, टेंशन नॉट। मैं अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं केवीपीवाई के लिए क्या प्लान चल रहा है।
यस, तो टेंशन नहीं लेनी यार, वी आर देयर फॉर यू. तो आप लोगों ने सोचना भी नहीं है, बस आप पढ़ते चलो. क्या बोर्ड्स, क्या नीट, क्या केबीपीवाई, एक्सवाईजेड, एबीसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं आता वरना वो भी पढ़ा देती. ठीक है, आ जाओ चलो. सो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है बेटा? टैक्सोनॉमिकल एड्स आर प्लांट्स, एनिमल्स, अदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, राइट, गम, रबर, टिम्बर. यस, तो उनको हम कैसे, उनकी स्टडी करें, कैसे नए नए प्लांट्स निकाले. टैक्सोनॉमिकल एड से हमें पता चलेगा कितने, देखो बेटा कैंसर होता है ना जब, तो आप इसको गूगल करके पढ़ना. कैंसर में दो चीजें बहुत काम आती है, एंटी कैंसर ड्रग्स बनते हैं, भगवान ना करे किसी को कभी कैंसर हो. उन दो ड्रग्स का नाम होता है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, जो जंगलों से निकलते हैं. विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, राइट. तो हमें स्टडी करने पड़ेंगे वेरियस ऑर्गेनिजम्स को और पता करना पड़ेगा कि किससे कौन सी चीजें निकल कर आती है जो हमारे लिए यूजफुल है. हमें इंटेंसिव लैबोरेटरी स्टडी करनी पड़ेगी, फील्ड स्टडी करनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा. इज दैट क्लियर एवरीबडी? तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमें सिस्टमैटिक्स की भी तो ट्रेनिंग करनी है. कैसे नेमिंग की? तो हमें एक एक चीज स्टडी करने के लिए टूल्स चाहिए, राइट. कैसे उनकी स्टडी हुई? मैं एक बार बहुत पहले किसी म्यूजियम में गई थी, वहां पे मैंने कोई जामनगर से, मैं हमेशा एग्जाम्पल लेती हूँ, बहुत पहले मैं एक बार जामनगर में एक म्यूजियम में गई थी. राजा जाम का म्यूजियम था लेक के बीचों बीच, राइट. जामनगर एक छोटी सी जगह है गुजरात में. सो वहां पे उन्होंने वेल्स का स्केलेटन रखा हुआ था, राइट. तो आपने कभी कभी म्यूजियम गए होंगे, आपने स्टफ्ड एनिमल्स वगैरह देखे होंगे, दे आर वेरी गुड फॉर स्टडिंग, राइट. अगर कोई मतलब चंडीगढ़ में अगर कोई आएगा ना, तो यहाँ पे एक सुखना लेक है, सुखना लेक के बाहर भी इन्होंने एक छोटा सा म्यूजियम बनाया जहां इन्होंने कोबरा, पाइथन वगैरह का स्टफ्ड सामान लगाया हुआ है. यस गियर, आई टू अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी. तो इसीलिए कुछ प्रोसेस है, कुछ टेक्निक्स है जिनसे हम स्पेसिमेंट्स की स्टडी कर सकते हैं, हम उनकी स्टडी कर सकते हैं. उनकी स्टडी करके हमें पता चलेगा, कोई मैसूर से है, कोई मेरा बच्चा मैसूर से है, मैसूर में जूज है, मैसूर जू. मैं तो नहीं गई, मुझे जू में एनिमल्स देखना इतना पसंद नहीं है, पर अगर कोई बच्चा मेरा मैसूर से, एक तो वो मुझे मैसूर पार्क भेज दे, पर मैसूर पार्क का मैसूर से कोई लेना देना है नहीं. एनी विच वेज, यस एवरीबडी. और दूसरा, मैसूर में एक बहुत फेमस जू है, दिल्ली में जू है. तो इन चीजों में आपको, यू नो, दीज ऑल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, टू स्टडी, टू सी द स्पेसिमेंट्स. ओनली देन विल यू बी एबल टू put them in use in systematics also. So herbarium is a storehouse of collected plant specimens. अब सच बता दो, मतलब सच, ये तो मेरे बचपन का ना फेवरेट प्रोजेक्ट था. टीचर प्रोजेक्ट बनाने को देती थी, चार पत्ते तोड़ के लाते थे, न्यूज़पेपर के पीछे सुखा देते थे, गद्दे के नीचे डाल के 15-20 दिन बाद निकालते थे, चार पेपर पे चिपकाते थे और प्रोजेक्ट हो गया. कितने बच्चों ने किया है? हाथ बना दो. यस, पहले दिन, छुट्टी के पहले दिन जाएंगे एक पार्क में, 10 पत्ते तोड़ के लाएंगे, न्यूज़पेपर के बीच में डालेंगे, गद्दे के नीचे डाल देंगे न्यूज़पेपर, और आखिरी दिन छुट्टी के निकालेंगे, कुछ सड़ जाएंगे, कुछ अच्छे होंगे, उनको न्यूज़पेपर पे चिपका देंगे, चार्ट पेपर पे. और चार्ट पेपर पे जब जब हम चिपकाते हैं ना यूजिंग द सेलो टेप, तो कुछ फट जाते हैं, कुछ लीव्स फट जाते हैं, तो कहते हो शिट, एक दो लीव्स फट गए, पर अच्छे से प्यार से चिपका देंगे. और अगले दिन ये लो मैम, नीचे लिखते हैं अशोका नीम, ये वो. यस, सो हर्बेरियम इज जस्ट a very very sophisticated version of the same. Collected plant specimens को press preserve करते हैं, but इनकी sheets पे बहुत extra कुछ लिखा होता है, इनकी sheet पे collector का नाम लिखा होता है. तो ये बड़ी important, बड़ी अच्छी चीजें हैं. तो क्या होता है, universally accepted system of classification के हिसाब से इनको name किया जाता है. इनको herbarium sheets कहते हैं, जो हमारी तरह charts है, इन पे describe किया जाता है, ये repository बन जाती है. This is like a storehouse of information की आगे आगे हम इसको कैसे यूज करेंगे, ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन स्टोर हाउस बन जाता है. डेट बेटा, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, प्लीज इसको ध्यान से रखो. डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटानिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम. नीट 2016 का क्वेश्चन है, चलो टिक मार्क करो अपनी एनसीईआरटी में. चलो 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 चुनो. तो व्हाट ऑल इज देयर? डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल, बोटानिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम. और क्विक रेफरेंस सिस्टम है कि भाई जल्दी जल्दी देख लो ये सब है. डन, मक्खन क्लियर. बोटानिकल गार्डन्स, अगर कोई, क्यों बोटानिकल गार्डन लंदन में? मैं तो नहीं गई, हम सब मिलकर चलेंगे. चलो आप डॉक्टर बनोगे ना, तो अपनी एक मैम को तो स्पॉन्सर कर ही दोगे. यस, ठीक है. तो और कोलकाता में है, लखनऊ में है, अगर आप देहरादून गए हो वहां बोटानिकल गार्डन्स है. क्या कहते हो? कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस. प्लांट स्पीशीज इन दिस गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस. जैसे एक बहुत ही रेयर प्लांट है, आपको पता है, गिंको बिलोबा. मैंने गिंको बिलोबा का प्लांट देहरादून के बोटानिकल गार्डन में देखा है. अगर आप कभी जाओगे, आप भी देखना गिंको बिलोबा. ऊटी में बहुत बोटानिकल गार्डन है, राइट एवरीवन. सो द प्लांट इज लेबल्ड, इसका बोटानिकल और साइंटिफिक नेम और फैमिली लिखा होता है.
ये जो नाम है ये मल्टीपल टाइम्स एमसीक्यू में आ चुके हैं. क्यू इंग्लैंड, इंडियन बोटानिकल गार्डन आई बी आर, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा आई बी जी, राइट आई बी जी हावड़ा, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एन बी आर आई. तो एन बी आर आई आपका लखनऊ में है, इंडियन बोटानिकल गार्डन जो है वो आपका कोलकाता में है, क्यू में वन ऑफ द बिगेस्ट बोटानिकल गार्डन्स इन द वर्ल्ड. म्यूजियम्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है जहां प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल्स है, लिविंग नहीं है, प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल्स, स्पीशीज आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर, जैसे आपके बॉटनी के लैब में भी होता है, कंटेनर्स में डाल दिया प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में, राइट. प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंस में ऑल्सो भी प्रिजर्व्ड इज ड्राई स्पेसिमेंस. इंसेक्ट्स का देखा है मैंने, बेचारी बटरफ्लाइज को ना इतने बड़े बड़े डब्बे बना लेते हैं, उन डब्बों में पिन से बटरफ्लाइज लगाई होती है, देखा है आपने कभी, पिनिंग देखा है कभी, किल करके पिन करते हैं, आपने देखा है बटरफ्लाइज को ऐसे पिन करके, उनको पूरा अच्छे से उनका लिविंग मटेरियल निकालकर उनको पिन करके लगा देते हैं. लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स को स्टफ करके प्रिजर्व किया होता है, उनकी बीक उनके क्लॉज को स्टडी करने के लिए बहुत अच्छा है. जैसा मैं आपको बोल रही थी, मैंने जामनगर के म्यूजियम में स्केलेटन देखा, सो स्केलेटन ऑफ एनिमल्स भी प्रिजर्व किए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टफ्ड प्रिजर्वेटिव्स म्यूजियम. बोटानिकल गार्डन्स में लिविंग प्लांट्स स्पेसिमेंस, बोटानिकल गार्डन्स में दुनिया भर से प्लांट्स लाकर लगाए जाते हैं, जो उस जगह के नेटिव नहीं भी हो उनको भी लगाया जाता है. ऐसे हर्बेरियम में शीट्स की शीट्स रखी जाती है. करेक्ट एवरीबॉडी. ज़ूज़, दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर व्हिच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर्स. ऑल एनिमल्स इन अ ज़ू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल The conditions which are similar. So, आपके पास zoos, Mysore में zoo है, Delhi में zoo है. All those zoos are very important because ex situ conservation हो रहा है, पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि in situ conservation हो जाए. Children love visiting these parks. बच्चों को बोलना चाहिए नहीं जाए ताकि animals की in situ conservation हो. Keys, flora, manual, very important. Key is another taxonomical aid which is used for identification of plants. आपको की पता है क्या होता है? चाबी. चाबी का क्या काम होता है? To open a lock. तो एक की होती है. अगर आपको बोला गया बायो चैनल जाना है तो आप बोलोगे अच्छा बायो चैनल ठीक है. आपको बोलेगा वो बायो चैनल जो वेदांतु का है, फिर आप एक तरफ आओगे. वो बायो चैनल जो एक मैम लेती है, ठीक है, आप एक तरफ आओगे, राइट. सो आपको धीरे 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 मतलब ऐसे करके इट इज बीइंग लीड. तो आपको हमेशा दो चीजें बताई जाएंगी, उनमें से एक चीज गलत होगी और एक चीज करेक्ट होगी. जो करेक्ट चीज होगी, जिस तरफ आप चलते चले जाओगे, वो चीज आपको लीड कर रही है. सो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे. अगर आपको बोला जाएगा बायो चैनल है बहुत सारे, एक बायो चैनल में कोई सर है, एक बायो चैनल में मैम है, तो आपको कि नहीं सर. अगर आपने वी बायोटॉनिक मैम, अच्छा एक मैम जो है वो अमेरिकन है, एक मैम इंडियन है जो हमेशा इंडिया की बात करते हैं, नहीं अमेरिकन नहीं इंडिया. तो आप ऐसे ऐसे करके आपको जो ये डबल मिल रहे हैं ना, इनको कपलेट्स कहा जाता है. और इसमें से एक को आप रिजेक्ट कर देते हो और एक को एक्सेप्ट कर लेते हो. तो जिसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो उसको हम की कहते हैं. दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल कपलेट, राइट. यू हैव टू गो, यू हैव टू स्टडी फॉर नीट, यू हैव टू स्टडी बायो. यू हैव टू चैनल्स, वन चैनल इन विच बायो इज टॉट इन अमेरिकन इंग्लिश, वन चैनल इन विच बायो इज टॉट इन हिंदी इंग्लिश. अमेरिकन इंग्लिश नहीं, ओके, वन चैनल विच बायो इज टॉट इन हिंदी. तो अच्छा कोई सर अगर आपको भी बायोटॉनिक तक आना है, सो इसलिए हमेशा आपको दो दो चीजें देंगी जिनको कपलेट कहेंगे. ये हमेशा आपको ऑपोजिट ऑप्शंस बताएंगे. इनमें से जिस स्टेटमेंट को आपकी मतलब आप अपनी पोजीशन तक जा रहे हो, आप लीड कर रहे हो, यू आर मूविंग एट, उसको लीड कहा जाएगा. आपने आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनिजम्स को, सो यू विल ऑलवेज हैव अ कपलेट. द कपलेट विल हैव टू पार्ट्स. यू विल चूज द वन दैट यू वांट टू, व्हिच इज कॉल्ड अ लीड. नवीन मैं आपको एवोल्यूशन करवा चुकी हूं. Right, separate taxonomic categories are required for each taxonomic category. Keys जो है वो generally analytical है, आप analyze करोगे. अच्छा आपको ढूंढना है one of the largest living land mammals. तो फिर आप सोचोगे अच्छा ये mammal है या नहीं है. Then आपको gestation period उसका बहुत ज्यादा होता है. So आप ऐसे ये trunk होती है. So उसके अंदर maternal behavior strong होता है. हमेशा the group is led by a female. तो बोलोगे oh that is an elephant.
right everybody, very intelligent mammal, it is always, the herd is always led by a female, okay, so then you will be lead, theek hai, herd, bahut logon mein herd hota hai, herd is not led by a male, herd is led by a female here, so that is the reason why you will move towards only one thing. Flora, manual, monograph and catalogs are some other means of recording descriptions. Flora and fauna. So flora basically kya hoga, aap mujhe bataiye. Flora contains plants because flora and fauna. Fauna is animals, flora, florigen hormone, flora. Actual account of habitat and distribution of plants of a given area. Monographs is related to only one. When you talk about just one organism and you in detail describe a bit, that is referred to as a monograph. Any one tag zone, we call it a monograph. Whereas manuals are useful in providing information or identification of species found in a area. So, ek area ki agar aap baat karenge, aap kisi national park mein gaye, zoo gaye, dekhiye wahan catalogs lagi hoti hain, aap unko padhte hain. So that could be like a monograph, right? Monograph is for one tag zone. Agar aap bahut sari cheezon ke bare mein padh rahe hain, manuals or catalogs, plants ke bare mein padh rahe hain, that is referred to as a flora. So monograph, jo aapka question tha, it is the work of a scholar jinhone bahut adhyayan kiya hai kisi ek cheez pe, single author, aur aapko kisi ek taxon pe bahut adhyayan kiya hai, bahut kaam kiya hai, right everybody? Monograph mil gaya NCERT mein. So ICBN, BN, ZN, NB, international code for viral nomenclature, international code for botanical nomenclature, international code commission on zoological nomenclature, institute for nature conservation and biodiversity, ICNB. Platinum clear, Natalie. Gardens in India, name the largest botanical garden is the Kew Royal Botanical Garden. IBG, Indian Botanical Garden, Kolkata, Lal Bagh in Bangalore. Maine ek video bhi banaya hua hai apne channel pe Lal Bagh mein. Government Botanical Garden, Ooty, NBG, National Botanical Garden, Lucknow, Assam State Botanical Garden, Guwahati. That brings us to the end of this super awesome lecture. I will see you at 9 p.m. Why? Because आज हमने बोर्ड एग्जाम्स में 30% सिलेबस जो सुबह मिश्र जी ने बार बार बोला है इसकी बात करनी है, ये नॉटी बच्चे यहाँ पे सारा दिन चैटिंग करते हैं, तो हमने इसकी बात करनी है. I will see you sharp at 9 PM. Don't go anywhere. See you. Bye bye. Don't forget to like, share and subscribe right now. Do that. Okay? Bye. Tomorrow we have a test.